नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। पहले के वीडियो में हम आपको 6 तक बता दिए थे, आज 7 नंबर प्रश्न से देखेंगे टाइम एंड वर्क। तो 7 नंबर प्रश्न देखिए, स्क्रीन पर आ गया होगा। तो सवाल कह रहा है ए, एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। बी, इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है। तथा सी, इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। तो तीनों मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? देखिए, तो 7वां प्रश्न है, ए जो है यह 1/2 भाग कितने दिन में काम करता है? ये 5 दिन में करता है। उसके बाद फिर है बी, बी जो है 3/5 भाग ये 9 दिन में करता है। और सी, सी जो है 2/3 भाग काम का भाग ये 8 दिन में करता है। अब देखिए, ये तो एक काम का 1/2 भाग कम कर रहा है, बी 3/5 भाग कम कर रहा है, और सी 2/3 भाग कम कर रहा है, ये 8 दिन में। लेकिन इसको पूरा काम खत्म करने में कितना समय लगेगा? तो पूरा काम खत्म होगा, हम यहां से इसे गुणा कर देंगे, यहां से इसे गुणा करेंगे और 1 से भाग देंगे। तो 5 × 2 = 10 और 1 से भाग देंगे तो उतना आएगा। तो ये जो पूरा काम खत्म करेगा, ये 10 दिन में पूरा काम खत्म कर देगा। अब बी देखिए, बी जो है कि इसके यहां से गुणा करेंगे और 3 से भाग दे देंगे, तो 9 × 5 = 45 और 3 से भाग देंगे, 9 × 5 ये 45 हो जाएगा, और 3 से भाग देंगे कितना 15 बार में आ जाएगा, 15 × 3 = 45, यानी कि ये 15 दिन में समाप्त काम कर देगा। अब सी देखिए, उस काम का 2/3 भाग खत्म करता है 8 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में खत्म करेगा? तो पूरा काम करेगा, इससे गुणा करेंगे 8 × 3 = 24 और 2 से भाग दे देंगे, 8 × 3 = 24 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो चलिए, ये जो काम खत्म करेगा आपका 12 दिन में काम खत्म करेगा। अब देखिए, हम क्या करेंगे, अब यहां से एलसीएम ले लीजिए, यहां से जो एलसीएम लीजिएगा इन सभी का, वह टोटल वर्क आएगा, यहां से टोटल वर्क आएगा। तो कितना वर्क इसका आ जाएगा? 60 आ जाएगा, इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। जल्दी वाले में 60 लेने का मतलब सबसे बड़ा वाला पकड़िए और उसको आगे बढ़ाइए, इससे छोटा वाला है भाग दीजिए, जैसे कि 15 है तो 15 × 30 = 30 में भाग नहीं लगेगा 12 से, इसको आगे बढ़ा दिए 45 में भाग नहीं लगेगा, फिर 15 × 60 = 60 तो 60 में देखते हैं 12 से भाग लगेगा, इससे तो लगभग करेगा। तो देखिए, अब ये 10 दिन में, ये जो है कि 10 दिन में 60 कम करता है, तो एक दिन में कितना कम करता होगा? ये 6 कम करता होगा। अब 15 × 60 कम कर रहा है, तो एक दिन में कितना कम करता होगा? ये करता होगा 4 कम, यानी कि 15 दिन में 60 कम खत्म कर देता है, तो एक दिन में 4 कम करता होगा। 12 जो है कि, यानी कि सी 12 दिन में 60 कम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करता होगा? ये एक दिन में करता होगा आपका 5 कम, 12 × 5 = 60। अब ये तीनों मिलके काम को पूछा है, तो तीनों मिलके यानी कि टी और ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलके करेगा। तो पहले वीडियो में आपको बता दिए थे कि टोटल कार्य बटे टोटल क्षमता, जब तीनों मिलेगा, टी मतलब समय, जब तीनों मिलेगा तो टोटल कार्य ऊपर ले देंगे, तीनों मिलेगा यानी कि 6 + 4 + 5, तो 6 × 4 = 10 + 5 = 15, 15 × 4 = 60, यानी कि 4 दिन में काम समाप्त कर देगा आपका। देखिए ऑप्शन नंबर कितना है, 4 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है आपका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ए, ए जो है कि 1/2 कम करता है 5 दिन में, बी, बी जो है कि ये 3/5 कम करता है उस काम का 9 दिन में, और सी जो है कि सी करता है 2/3 कम। अब देखिए, 1/2 कम कर रहा है 5 दिन में, ये ऊपर वाला काम होता है और नीचे वाला समय होता है, तो इसका मान दे दिया हमें
पांच, यानी कि ये पांच गुना है, इसे भी हम पांच गुना कर देंगे तो पांच गुना दस हो जाएगा। और यहां देखिए इसका मान दिया है नौ, बी का नौ दिन में तीन बटे पांच भाग कितने में करता है, नौ दिन में करता है, तो इसे हम, यह कितना गुना है, तीन गुना है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसे भी तीन गुना कर देंगे तो पांच तिया पंद्रह हो गया। अब देखिए सी जो है कि आठ, यानी कि ये आठ दिन में काम खत्म करता है, तो पूरा काम कितना दिन में खत्म करेगा, यानी कि यह जो हो जाएगा आपका चार गुना है, तो इसको भी चार गुना करेंगे तो चार तिया बारह। ये ऊपर वाला आपका जो है कि अंश काम होता है और नीचे वाला समय होता है उसका क्षमता। अब देखिए सबका क्षमता निकल गया दस पंद्रह बारह, तो ए का मान निकल गया कितना दस, यानी कि ए गुना दस। अब बी का मान कितना निकल गया पंद्रह, बराबर दे करके बी गुना पंद्रह, और सी का मान कितना निकल गया बारह, बराबर दे करके सी गुना बारह। अब काम करेगा तीनों मिलकर, तो तीनों पर यहाँ क्या करेंगे ए प्लस बी प्लस सी गुना टी। अब देखिए जब इसे का पूरा दस पंद्रह बारह का एलसीएम लीजिएगा तो आपका आ जाएगा साठ, तो साठ पढ़ने के लिए इसमें क्या करेंगे, साठ पढ़ने के लिए इसमें हम छह से गुना कर देंगे, और इसमें कितना से गुना करेंगे चार से कर देंगे, इसमें कितना गुना करेंगे पांच से करेंगे। तो अब देखिए आपको चार, ये साठ था सॉरी, आप इस टर्म को रखिए या इस टर्म को रखिए या इस टर्म को रखिए चाहे इसे रखिए एलसीएम को, सभी मान आपका साठ ही है। देखिए पर चाहे इसका मान रखिएगा तो साठ होगा, इसका भी मान रखिएगा पंद्रह चौके साठ, इसका भी मान रखिएगा साठ है, इसका भी मान रखिएगा साठ है, तो साठ बराबर इधर जो बचा। अब यहाँ पर आप सबका मान रख लीजिए, ए का मान छ है तो छ प्लस, और बी का मान चार है प्लस, सी का मान पांच है तो जोड़ दीजिए इसको, और समय टी, तो साठ बराबर इधर छह चार दस पांच पंद्रह टी हो जाएगा, पंद्रह चौके साठ, यानी कि टी बराबर चार, तो ये जो है चार दिन में समाप्त कर देगा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आठ नंबर प्रश्न देखिए स्क्रीन पर। ए एक ए की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है, अतः ए किसी कार्य को बी से साठ दिन कम में कर लेता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। यानी कह रहा है कि ए जो है बी से तिगुनी है, बी से तिगुनी है, तो हम इसको एक मान लेते हैं तो यह तीन हो जाएगा, यानी कि ये एक है तो ये तीन गुना हो गया। अब देखिए लेकिन ये क्षमता दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, क्षमता दिया हुआ है, लेकिन एक बात बताइए कि जो काम तेजी से करता है और जो काम धीरे धीरे करता है समय किसको ज्यादा लगेगा, जो काम धीरे धीरे करता है उसको ज्यादा समय लगेगा और जो काम तेज करता है उसको कम समय लगेगा। तो यहां पर देखिए जस्ट इससे तुलना किया जाएगा, तो अगर हम यहाँ समय मानेंगे तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, समय क्या है उल्टा, तो इसका हो जाएगा एक और इसका हो जाएगा तीन। ठीक, तो देखिए क्योंकि ये ए जो है कि बी से तीन गुना स्पीड से काम कर रहा है इसलिए इसे एक समय लग रहा है, और इससे ये एक गुना कम कर रहा है तीन कम लग रहा है। आप डायरेक्ट अच्छे समझ सकते हैं, बढ़िया सोचिए कि अगर यदि ए तीन, यानी कि कोई कहीं से बोरी खाली करना है तो वहां से ए जो है कि तीन बोरी एक साथ ले जा रहा है तो ये एक बार लेके चल जाएगा, लेकिन बी जो है कि एक बोरी लेके जाता है हमेशा तो वो तीन बार लेके जाएगा, तो यही हुआ, इसको ज्यादा समय लगेगा और इसको कम समय लगेगा, तो जस्ट क्षमता का उल्टा होगा आपका समय, दोनों का यहाँ कर दिए। अब देखिए यहाँ पर कि इसका अंतर, यानी कि कम कहे या अधिक, कम कहे या अधिक, तो हम हमेशा अंतर को देखेंगे, तो अंतर मेरा यहाँ रहा है दो, लेकिन वहां क्या बताया कि कम समय में कम कर लेता है, कितना साठ, दो है तो यहाँ पर साठ दिया, यानी कि यहाँ अंतर दो है और वहां अंतर कितना दिया है साठ दिया हुआ है, तो इसका एक का मान कितना निकल जाएगा आपका तीस, इसका एक का मान तीस निकल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर बैठा सकते, अब देखिए एक का मान ये कितना हो जाएगा आपका तीस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा तीस दिया नब्बे, अब नब्बे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए कितना है, ए का तीस हो गया, तो तीस बराबर
बी का मान कितना आ गया 90, तो यहां पर बी गुना 90 और दोनों मिलकर कार्य करेगा तो ए प्लस बी और गुना टी, तो ए इन दोनों हो गया। अब इसका एलसीएम जब लीजिएगा तो 90 होगा, यानी कि ये कुल कार्य हो गया। अब देखिए इसे ए से कितना गुणा करेंगे, कितना संख्या रखेंगे ताकि ये 90 हो जाए, तो यहाँ पे 3 रख देंगे और इसका 1 रख देंगे। चाहे आप इसको मान रखिए, ये भी 90 है, ये भी 90 है, या ये मान रखिए, तो 90 बराबर ए प्लस बी, तो ए का मान कितना है 3, तो 3 प्लस 1, बी का मान 1, तो 1 रख दिया यहाँ पे और इसे गुणा कर दी। अब यहाँ 90 बराबर 4 गुना टी, तो इसे कटा दीजिए, 2 दोनों 4 45 दोनों 90, तो टी बराबर हो जाएगा आपका 45/2, यानी कि 22.1/2, 22 × 44 = 45, ये इतना दिन में खत्म कर देगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न पढ़िएगा। ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में समाप्त कर लेता है, ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो सवाल को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, देखिए कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, यानी कि इसका 1 हो गया तो ये 2 हो गया। अब देखिए यहां पर साफ साफ कह रहा है कि ए बी दोनों मिलकर, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर इस कार्य कितने दिन में करता है, 14 दिन में करता है, और ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बराबर दे दीजिए ए गुना टी। तो यहाँ आप साफ देख रहे हैं कि ए प्लस बी, तो ए का मान कितना है 2, तो 2 प्लस बी का मान कितना है 1, तो यहाँ 1 दे देंगे और गुना 14 बराबर इधर, तो ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिया, अब गुना टी। अब देखिए ये जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए अक्सर यहाँ पर गलती होता है क्योंकि ये हमें ब्रैकेट में था, इसे हमें ब्रैकेट में रखना था, अगर हम ब्रैकेट तोड़ देते हैं तो अभी क्या करते हैं हम इसमें गुना कर देते हैं, पहले गुना हो जाता है, लेकिन अब इसको जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा और गुना 14 बराबर इधर 2 टी, तो अब इसको कटा सकते हैं, 7 × 2 = 14, तो 27 यानी कि आपका ये 21 दिन में काम समाप्त कर देगा, ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर प्रश्न देखिए स्क्रीन पर। ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, बी अकेला एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए यहाँ ए है और ये बी है, तो कह रहा है कि बी से दुगुनी है, यानी कि इसका 1 मान लेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में करता है, बी जो है इस कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बराबर देख करके ए प्लस बी और गुना टी, तो जब बी का मान कितना है 1, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे और गुना 12 बराबर इधर कितना जाएगा, ब्रैकेट के अंदर रखेंगे तो ए का मान है 2 प्लस बी का मान 1 गुना टी, तो ये 12 ही हो जाएगा, 12 और इधर कितना जाएगा 3 गुना टी, तो 4 × 3 = 12, यानी कि टी बराबर आपका आ गया 12, तो ये आ गया 4 दिन में आपका समाप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11 प्रश्न देखिएगा स्क्रीन पर। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 7 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ए की कार्य क्षमता बी से 1 सही, यानी कि 1.3/4 गुनी है, ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए इसमें आप यहां पर के ए बराबर और बी का, तो जो नजदीक होता है वह नजदीक ही रहेगा, बी से क्या है वह कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा 4×4 और 4×3 = 7, यानी कि 7/4। अब देखिए इसको जब गुणा करिएगा
तो कितना हो जाएगा बराबर 7b। अब इस तरह से लिखने के बाद जो है कि b का मान 4 होगा और a का मान 7 होगा, तो आप इसे लिख सकते हैं a अनुपात b। तो a का मान कितना है 7 और b का मान कितना है, तो अब देखिए यहाँ पर आप बैठा सकते हैं, तो दोनों मिलकर a प्लस b कितने दिन में करता है 7 दिन में करता है, और अकेला a इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो जब दोनों का मान हमको दिया हुआ है ब्रैकेट में रखते हैं, तो 7 प्लस 4 और गुना 7 बराबर a का मान कितना है 7, तो 7 रख लीजिए गुना t, तो 7 4 11 गुना 7 बराबर इधर 7 गुना t, तो ये 7 कट जाएगा, तो t बराबर यानी समय बराबर 11 आ गया, तो ये 11 दिन में आपका काम समाप्त। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बारह नंबर प्रश्न देखिएगा, एक किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए ए जो है ए मान लिया और इसे बी मान लिया, तो ए से बी जो है 50% अधिक करता है, तो हम ए का मान 100 मान लेंगे और इसका मान लेंगे हम 150, तो आप इसे कटा दीजिए, तो ये 0 कट जाएगा, 5 3 15 और 5 2 10, तो ए का मान आ गया 2 और बी का मान आ गया 3। तो अब देखिए यहाँ कह रहा था कि ए 9 दिन में कम करता है, तो ए गुना 9 बराबर बी कितना दिन में कम करेगा, तो बी गुना टी, तो ए का मान कितना है, ए का मान आपका 2 है, तो ए का जगह 2 बैठेगा और गुना 9 अब बराबर बी का मान कितना है 3, तो 3 गुना टी, तो इसको कटा दीजिए, 3 1 3 3 3 9, तो यहाँ का 3 2 गुना 3 बराबर टी यानी कि 6 टी, टी बराबर 6 यानी कि 6 दिन में वो काम समाप्त कर देगा। तो ऑप्शन नंबर आपका है सी बिल्कुल सही। 13 नंबर प्रश्न देखिए, एक किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है, तो बी अकेला इसे आधे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ए, तो ए और बी है दोनों, जिसे कि ए से 40% कौन अधिक है बी, तो ये से हम मानते हैं 100 और ये हो जाएगा 140 हो जाएगा। अब इसे कटना से कटा दीजिए, ये 0 कट गया, तो 7 2 14 और 5 2 10, तो यहाँ 5 हो जाएगा। तो जब ए किसी का, आप देखिए अब ए जो काम कर रहा है 21 दिन में कर रहा है और बी कितने दिन में करेगा ये, तो बराबर दे करके बी गुना टी, तो ए का मान कितना आया है, ए का मान 5 है, तो 5 गुना 21 बराबर बी का मान कितना है 7 गुना टी, तो 27 21 यानी 3 बार में कट गया, तो 5 गुना 3 बराबर इधर टी, तो 5 3 15 यानी कि टी बराबर 15, तो ये 15 दिन में काम समाप्त कर देगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा बन जाएगा जो कि मेरे पास उतना सुविधा नहीं है, तो छोटे छोटे वीडियो में हम आपको यह सभी RS अग्रवाल का सभी सवाल बताएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर करें और कॉमेंट जरूर करें आप।